अभी पुरु कहाँ है? सो रहा है। ये क्या भाभी, जब भी मैं उसके साथ खेलने आती हूँ या तो वो सो रहा होता है किसी और के पास होता है। हाँ भाई, सबका लाडला जो है। अच्छा, वो तो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा बिजी है। हाँ, तुम्हें अगर उससे मिलना होगा ना तो मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ओ, तो अब मुझे अपने भतीजों को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? हाँ, वो तो लेनी ही पड़ेगी। अच्छा ठीक है, तो अब पुरु के उठने के बाद वो पूरा दिन मेरे साथ रहेगा। ओके ओके। भाभी आपने कुछ डिसाइड किया कि शादी वाले दिन पुरु क्या पहनेगा? कुछ फायदा नहीं है डिसाइड करने से। क्यों? वो कपड़े पहनता कहाँ है? क्यों, कपड़े निकाल देता है? बार बार ऐसी हरकतें करता है कि कपड़े बदलने पड़ते हैं उसके। सुसु मास्टर हो गया, सुसु मास्टर। ओह अच्छा। हर एक एक घंटे के बाद कपड़े गीले करता रहता है, मैं तो परेशान हो गई। अब भाभी वो तो बच्चा है, उसे क्या समझ पड़ेगा। उसके कपड़े बदलने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके साथ मुझे भी कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। आप क्यों चेंज करती है? अपने साथ मेरे भी कपड़े गीले कर देता है। अब देखो ना, मेरी माँ ने इतने कपड़े दिए लेकिन पहनता ही नहीं है। शादी में भी वैसे ही लेके जाना पड़ेगा उसे, बिना कपड़ों के। नंगू पुंगू।